السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين फ़ा अली कल यादलिम वला तोआलम सद्ह ख़वाजरा किताब रियाजीन का सिलसिला आज जिस बाप पर पहुँचा है वो है यतीमो कमज़ोर मस्किन और खस्ता हाल लोगों के साथ नरमी करने का उनके साथ एहसान उनके साथ तवाजो, यानी आज आजज़ज़ज़ी के साथ पेश आने का बयान कि इनके क्या हुकूक हैं इनके साथ कैसा पेश आना चाहिए इस्लाम के अंदर इन चीज़ों का भी हुक्म दिया गया है क्योंकि हमेशा लोगों ने ऐसे लोगों को सोसाइटी का हिस्सा तो समझा अल्लाह का बंदा नहीं समझा और अपनी ग़ुलामी या अपनी ज़रूरत दुनिया के लिए इनका ग़लत इस्तेमाल किया गया सोसाइटी के अंदर इनको हक़ीर समझा गया तो इस्लाम ने इनकी हकीक़त और इनके जो अहकाम हैं या इनका जो हक है वो बतलाया है तो इमाम नबी रहा सबसे पहले जो आयत लाए वायत आपको याद होगी कहा अल्लाह तब त ने आरई तोल्ला दी वदबीन क्या आपने नहीं देखा उस शख़्स को जो क़्यामत के दिन को झुटलता है फैसले के दिन को झुट लाता है बदले के दिन को झुटलता है और क्या आपने उसको नहीं देखा जो यतीम को धक्के देता है यानी हक़ीर समझता है भगाता है उसके साथ बुरा सलूक करता है और इसी तरीक़े से मस्किन को खाने के लिए तरगीब नहीं देता कि मस्किन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं करता ये आयत करीमा के साथ और भी आयते हैं जैसे एक दूसरी आयत है फ अम्ल यतीम फ़ला तकहर के यतीम को तुम झिड़को नहीं वम साइला फला तनहर और जो मांगते हैं लोग मांगने वाले हैं गरीब मस्किन फकरा तो उनके साथ भी तुम उनको झलकना या उनको अलग करना ये भी मुनासिब नहीं है अब आइए हदीसें जो आपके सामने हैं सबसे पहले कमज़ोर और मिसकीन लोगों के ताल्लुक से एक हदीस आई है अल्लाह के रसूल के जमाने में मस्जिद नबवी की पाकी सफाई के लिए पाक साफ करने के लिए एक औरत थी रावी कहते हैं कि वह औरत थी या कोई नौजवान था जो हबशी था बहर कैफ़ ज़्यादा सही रवायत औरत की है तो उनका इंतकाल हुआ चूँकि रात में इंतकाल हुआ तो साहबा आप सलम को तकलीफ़ देना मुनासिब नहीं समझे नहलाए धुलाए कफ़न किए और ले जाके जनाजा पढ़े और दफन कर दिया जब आप ने एक दो दिन उनको नहीं देखा तो आपने उनके बारे में पूछा फ़स अ फस अन्हा अन् फ़ाल माता अल्लाह के रसूलम वो तो इंतकाल कर गए आप फ़रमाया अफला कुंतम तुम आजन तुमोन भी साहबा ने कहा कि हम नहीं चाहे कि आपको इस पर तकलीफ़ दें रात का हिस्सा था रात का मामला था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़का हम सरू अम रहा गोया तुम लोगों ने इस मामले को कि यह मामूली आदमी है मामूली इंसान है इसकी मौत इसका ख़बर इसका जनाजा इसको तुम लोगों ने हकीर समझा आप आपसल में फौरन कहा दल्लूनी अला ही मुझे उसकी ख़बर बतलाओ आप आपसम को जब बतलाया गया तो आप वहाँ गए और आपने उसके लिए दुआ की फिर उसके बाद आपसे फरमाया इनहादिलकबूर ममलूत झुल जुलमतन अला बेशक ये कब्रें, कब्रों वालों पर तारीकी से भरी हुई हैं यानी गुनाह हो या हिसाब किताब हो या कोई भी चीज़ हो तआला नविर लाहम बिसम मैंने जब उन पर दुआ की या उनके लिए नमाज़ पढ़ा और उनकी मखफ़रत की दुआ की तो अल्लाह ताला ने उनके लिए कब्र को रोशन बना दिया तो वाक़े से असल ये बताना है कि लोगों ने उस खादिमा को या खादिम को जो भी हो एक कमज़ोर समझकर कम ताकत वाला समझकर या सोसाइटी में एक ऊँचे मरतबे और पोजीशन उसकी न हो समझकर उन्होंने ये काम किया तो आप फरमाया कि नहीं हर मुसलमान हर साहब ईमान उसके साथ ये सलूक होना चाहिए जैसा कि कल के बयान में आया था कि मुसलमान का मुसलमान पर छः हक़ है उसमें से एक ये भी है कि जब उसका इंतकाल हो जाए और हमें मालूम हो तो उसके जनाजे में शरीक होना तो ये हक है और ख़ास कर ये आदमी जो कि मस्जिद साफ़ करता था मस्जिद नबवी तो ये तो बहुत बड़ी बात थी लिहाजा बतलाया गया कि किसी भी इंसान को हकीर न समझो उसका जो हक़ है वो हक़ उसको अदा किया करो फिर उसके बाद जो है दूसरा वाक़ जो इस दूसरी हदीस जो आई है वो है यतीम के बारे में कि यतीम का हक यतीम को भी उस ज़माने में बहुत हकीर समझा जाता था इसके हकूक़ मार लिए जाते थे और हमेशा इनके साथ नारवा सलूक किया जाता रहा तो इस्लाम ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पेश किया और कहा कि याद रखो तुम सिर्फ़ उन लोगों की कदर वीमत समझते हो जिनके पास माल औलाद और जाह मर्तबा, सरदारी या हुकूमत ऐसों को याद रखो नहीं अल्लाह की निगाह में वो इंसान क़द्र क़ीमत रखता है जो साहब ईमान और अमल से रास्ता हो दुनिया की निगाहों में अलग ख्याल है लेकिन अल्लाह की निगाह में ये नहीं अल्लाह की निगाह में अगर वो गरीब भी है नादार है, हकीर है सब कुछ है माल के अतबार से लेकिन ईमान और अमल के अतबार से जो बेहतर है वही अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा बेहतर है तो देखिए हजरत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तु से रिवायत है और मशहूर हदीस है कि रसोल्लासम फरमाते हैं अना व काफिलयतीम मैं और यतीम की किफालत करने वाला फ़िल जन्न जन्नत में होंगे कैसे बिल्कुल करीब करीब आपने दो उंगलियों को मिला कर इशारा किया कि जिस तरह ये दो उंगलियाँ क़रीब हैं वैसा ही वो मेरे साथ जन्नत में होगा तो मालूम हुआ कि यतीम की किफालत करना उसकी तरबियत करना उसकी तालीम और उसका माल उसके हवाले करना या अगर उसका माल है तो सही रास्ते में लगा कर उसका जो नफ़ा है उसका नफ़ा उसको वापस करना और जब वो बलोगत की उम्र को पहुँच जाए अकल को पहुँच जाए तो उसका पूरा माल उसका पूरा हक़ उसके हवाले करना यही जो है असल चीज़ है लेकिन सबसे बड़ी चीज़ तलीम और तरबियत क़रन की कई आयतें जो है यतीम के बारे में आई है और यहाँ भी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जो है हकीक़त बतला रहे हैं कि यतीम को किफ़ालत करना ये बहुत बड़ा सवाब का काम है दूसरी चीज़ मस्किन मस्किन किसे कहते हैं और उनके साथ क्या सलूक करना चाहिए हज़रतरत रावी वहते हैं मस्किन वो अल्दी तरद अ तम रत व तम रतन वल लुमत वलुमता इनमस्किनदीयताफू कि मस्किन वो नहीं है जो लोगों से खजूर या खाने के लिए लुमा या दूसरी चीज़ें मांगता फिरता हो मांगने वाले को मस्किन नहीं कहा जाता है मांगने वाले को फ़ीर कहा जाता है मिसकीन अलग है तो वो आदमी नहीं है जो इधर उधर मांगता फिरता हो हाथ फैलाता हो जबान खोलता हो बल्कि मिसकीन वो है इनमल मस्किन मिस्कीन हो तो वो है जो मांगने से बचता हो अल्लाफफो जो मांगने से अपने आप को बचाता हो किनात की ज़िंदगी गुजार रहा है मेहनत मजदूरी भी कर रहा है लेकिन उसको उससे उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होती तो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हाथ नहीं फैलाता मुंह नहीं खोलता अपने दामन को नहीं पसारता किसी के सामने बल्कि उसी पर अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे गुजारता है किसी के सामने सवाल नहीं करता तो हमें चाहिए कि अगर हमारे पड़ोस में या हमारे रिश्तेदार में या हमारे मोहल्ले में या हमारे दोस्त अहबाब में जानने वालों में इस किस्म को हो तो इनका भी ख्याल करने के लिए कहा गया कुरान की आयतों में ये तालीम दी गई है जो आगे आएगी कि किन के हकूक कब कब कैसे हैं यहाँ पे अलग अलग बयान किया जा रहा है कि सबसे पहले तो किसी भी इंसान को कमज़ोर और हकीर न समझा जाए बल्कि हमारा पैमाना ईमान और साल हो फिर उसके बाद यतीम है फिर उसके बाद मिसकीन का है इसी से मिलता जुलते और एक हदीस है के ऐसे लोगों को साथ क्या सलूक करना चाहिए हज़रत अबू हर रज़ी अल्लाह तु ही उसके रावी हैं वो नबी करीमल वसम से रवायत करते हैं असाई अल अरमलती मिसकीन कल मुजाहिद फ़ी सबिल्ला असाई अल वल मिसकीन के बेवा और मस्किन का ख्याल रखने वाला उसका हक़ हाँ अदा करने वाला उसकी मदद करने वाला, अल्लाह के रस्ते में जिहाद करने के बराबर है और बाज़ रिवायतों में आया है वकल क़ाइम अल्लिलाुफ़तर वाइम अल्लदी ला युफिर के क्याम करने वाला यानी रात भर इबादत करने वाला जो कभी थकता नहीं और दिन भर रोज़ा रखने वाला जो कभी इफ्तार नहीं करता नागा नहीं करता यानी हर दिन रोज़ा रखता हो लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा ये सब फ़राइज के बाद ही हैं ये जो नफिल नमाज और नफिल रोज़े का जिक्र किया गया फ़र्ज रोज़ा किसी हाल में माफ नहीं फ़र्ज़ नमाज किसी हाल में माफ नहीं और ईमान के बाद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज के ज़माने में बहुत से लोग खदमत खलक़ सोशल वर्क को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं यकीन देना चाहिए लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ़र्ज छूट जाए अल्लाह का हक़ छूट जाए नहीं अल्लाह पर ईमान और हक़ सबसे पहले अगर ईमान नहीं है और फ़राज़ की पाबंदी नहीं है तो दुनिया का अवार्ड तो मिलेगा आखरत का रिवार्ड नहीं मिलेगा ये याद रखिए सो ईमान पहले उसके बाद फ़राज़ की पाबंदी फिर उसके बाद ये सब चीज़ें हाँ कभी कभी फराइज पर भी इन चीज़ों की अहमियत बढ़ जाती है जैसे कि आदमी को सफ़र में नमाज कम हो जाती है लेकिन सफ़र में कोई इंसान गरीब मजदूर है उसके देखभाल करना ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है लेकिन फिर भी फ़र्ज अपनी जगह रहेगा लिहाजा कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि इस्लाम में सोशल वर्क को या खिदमत खल को कम समझा गया या उसके करने वाले के लिए ईमान और अमल ज़रूरी नहीं ये भी गलत है दोनों में बैलेंस होना चाहिए इसकी तरफ हमें सबसे ज़्यादा इशारा करती है सूरतुलब्रा की आयत नंबर 177 सेवेंटी सेवन जिसमें अल्लाह ने सबसे पहले ईमान का ज़िक्र किया उसके बाद माली हकूक़ उसके बाद इबादत फिर उसके बाद अखलाक इन सब चीज़ों का ज़िक्र किया तो ख़दमत खलक़ भी ज़रूरी है लेकिन ईमान और अमल साल हाथ के साथ फ़रज़ के साथ तो दुनिया में भी कामयाबी है आखरत में भी कामयाबी है अगर ईमान नहीं है और एक आदमी लाखों करोड़ों रुपया ख़र्च करता है गरीब मस्किन यतीम पर सब ठीक है लेकिन आखरत का जो है काबिलबूल वो नहीं होगा तो याद रखिए यह मुतफ़न अलह रवायत है तो कहा गया कि बेवा और मिसकीन के देखभाल करने वाला यानी उसकी ज़रूरत उसकी कपड़े उसके लिबास उसका रहन सहन का इंतज़ाम करने वाला अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना या ऐसा आदमी जो कभी फर नफिल से थकता नहीं और नफिल रोज़े को छोड़ता नहीं यानि हर दिन रोज़ा रखता हो फिर इसी से मिलता जुलता और हरत अबोहरत रावी है वो कहते हैं शरुत वलीला वलीमा सबसे बदतर खाना उस वलीमे का खाना है जिसमें मालदारों को तो बुलाया जाए लेकिन गरीबों को रोक दिया जाए गरीबों को रोक दिया जाए ये सबसे बेकार है तो मालूम हुआ कि ये जो भी शरीयत के अंदर खाना खिलाने का हुक्म दिया गया है वो सब गरीब मस्किन यतीम बेवा नादार मुफलिस जिसको हम डिस्टिट्यूट कहते हैं और और ये सारी चीज़ें तो ऐसे ही लोगों के लिए असल ये चीज़ है अगर ऐसे लोगों को ना बुलाया जाए और सिर्फ बड़े लोगों को नामोरी दिखावा चर्चा शो के लिए तो ये चीज़ ग़लत है तो मालूम हुआ कि यहाँ भी ये मस्किन का ख्याल रखने के लिए कहा गया है फिर उसके बाद और भी कहा गया कि जो लोग बच्चियों की यानी लड़कियों की परवरिश करते हैं ये भी सोसाइटी और माशरे के अहम लोग हैं क्योंकि दुनिया इसको भी बहुत हक़ीर समझती थी खासकर अरबों का नक्शा क़ुरान में खींचा गया कि इस्लाम से पहले वो लोग बच्चियों की पैदाइश को हक़ीर समझते थे हकारत से देखते थे बहुत से लोग तो कत्ल भी कर देते थे जिंदा दफन कर देते थे दरगोर कर देते थे तो आप ने उसके लिए भी कहा जिसके रावी हज़रत अनस रज कहते हैं मन तब लोग भी अपनी दोनों उंगलियों को मिलाकर फरमाया कि जो शख्स दो बच्चियों की परवरिश करे उसकी अच्छी तरबियत करे यहाँ तक कि जब वो बालिग हो जाए तो उसकी शादी भी कर दे तो वो क़्यामत के दिन आएगा इस हाल में कि ये दो उंगलियाँ जिस तरह करीब हैं वो मेरे साथ होगा बाद रवायतों में ये भी आया है कि वो तीन लड़कियों का और रवायत में ये भी आया है कि सहावी ने पूछा अगर एक तो अल्लाह के रसूल उसकी भी इजाज़त देते तो बहर कैफ़ लड़कियों की बच्चियों की तालीम तरबियत बेटियों की तालीम तरबियत ये भी शरीयत के अंदर बहुत अहमियत रखता है एक वाक़ यहाँ पर बयान किया जा रहा है और हज़रत आयशा रज़ी रावी है हज़रत आयशा रज़ी बयान फरमाती हैं कि मेरे पास एक औरत इस हाल में आई कि उसके साथ उसके दो बेटियाँ थीं और वो मांग रही थी तो आप उन्होंने आपसे कुछ मांगा तो आपके पास सिवाय खजूर के कुछ भी नहीं था आपने वो खजूर उसको दे दिया उस औरत को वो औरत उस खजूर के दो हिस्से करके दोनों बेटियों को खिला दिया और खुद कुछ नहीं खाया और ये सब माजरा हजरत उमुल आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह खड़ी हुई देख रही हैं फिर जब नबी करीम से तशरीफ लाए तो आपने उनको बताया कि अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा हुआ कि एक औरत आई उसकी दो बेटियाँ थी उन्होंने सवाल किया मेरे पास कुछ नहीं था सिर्फ खजूर थे तो उसने उस खजूर को दो हिस्से करके दोनों बेटियों को खिला दिया और ख़ुद कुछ नहीं खाई आप ने ये सुनने के बाद कहा कि जो लोग अपनी बेटियों के साथ आजमाए जाएँ और वो उनके साथ अच्छा बर्ताव करें अच्छा सलूक करें अच्छी तरबियत करें तो अल्लाह ताला उनके लिए वो बच्चियाँ जहन्नम से बचाने का ज़रिया बन जाएंगे तो सोच कर देखिए कि बेटियाँ कितनी जो है सलूक की आ, हकदार हैं और उनके साथ अच्छा हुसन सलूक किया जाए उनकी अच्छी तरबियत की जाए अच्छी तालीम किया दी जाए तो वो हमारे लिए आख़रत में कितना बड़ा सौदा बनने वाली हैं और वैसे भी हम देखते हैं कि दुनिया में भी बेटियाँ माँ बाप के लिए ज़्यादा रहम की निगाह रखती हैं ज़्यादा ख़याल रखती हैं इसका मतलब ये नहीं कि बेटों को ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन बनिस्बत लड़कों के लड़कियों में ये सब चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं आप अलैहि वसल्लम से और एक रिवायत है जो आम कमज़ोर लोगों के बारे उस में उसमें यतीम भी आएंगे मस्किन भी आएंगे और जो भी आएंगे कमज़ोर से मुराद यहाँ जिस्मानी कमज़ोरी नहीं बल्कि जिनको सोसाइटी कमज़ोर समझती है माल के अतबार सेहदे के अतबार से ताल्लुक़ के अतबार से हैसियत के अतबार से जिनको कमज़ोर समझा जाता है वो मुराद है यहाँ कमज़ोर तो एक सहाबी हैं जिनका नाम है बिन आमर वो कहते हैं कि नबी वसम फरमाते हैं दुआ के तौर पर इन्नी वो हर्री जो हक़ आप सब दुआ करें अल्लाह मैं लोगों को दो ज़ईफों के हक़ से बहुत डराता हूँ दो कमज़ोर लोगों के हक़ से बहुत डराता हूँ कौन है वो दो कमज़ोर वल मराह. यतीम और औरत चूंकि औरत को भी बहुत कमज़ोर समझा जाता है बहुत हकीर समझा जाता था बहुत जो है सोसाइटी के अंदर उनको नीच समझा जाता था तो आप सलम करें अल्लाह मैं मेरे लोगों को दो कमज़ोर लोगों से बहुत ज़्यादा डराता हूँ मतलब कि इन दो कमज़ोरों के हकूक़ का पूरा पूरा ख्याल रखो तो उसमें से एक यतीम और दूसरा औरत औरतों के तल्ल से आगे चलकर बाब अलग से आ रहा है हम उसमें तफसील से बताएंगे यहाँ यतीम के साथ ज़िक्र आया इसलिए हमने उसको आपके सामने पेश कर दिया तो मालूम ये हुआ कि शरीयत दीन इस्लाम हर इंसान के हक़ का ख्याल रखता है अगर हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करें तो एक हकूक़ अल्लाह ताला का हक़ जो नमाज़ रोज़ा ईमान हज सदक़ात खैरात ज़क़ात ये सब चीज़ें हैं और दूसरे हकूक़ नास लोगों के हकूक़ हैं और इंसान को दोनों में भी मुकम्मल होना चाहिए दोनों में भी पक्का होना चाहिए दोनों में भी सही होना चाहिए ये दोनों चीज़ें भी पूछी जाएंगी और दोनों ज़िम्मेदारियाँ भी हमारे ऊपर हैं लिहाजा हमें चाहिए कि जो इंसानों के हकूक़ हैं और इंसानों में माली हकूक़ में या अखलाक के अतबार से पेश आने में इन सबों को हक़ीर नहीं समझना चाहिए ख़ासकर यतीम मस्किन लड़कियाँ औरतें और मोहताज लोग कमज़ोर और मोहताज लोग इनको कभी हक़ीर नहीं समझना चाहिए इनको सोसाइटी में अलग या हकीर समझना या अलग रखना या अलग करना या इनको अलग निगाह से देखना नहीं अल्लाह ताला के पास किसी की माली हैसियत किसी की शक्लो सूरत किसी का मनसब और मर्तबा नहीं देखा जाता है बल्कि ईमान और अमल ईमान और अमल के साथ ये सब चीज़ें हैं तो और भी अच्छी चीज़ है और भी बेहतर चीज़ है क्योंकि वो इंसान और ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करेगा और भी अल्लाह ताला के हकूक़ अदा करेगा तो लिहाजा सबसे पहला मसला रहेगा ईमान अमल सालेहात और साथ ही साथूक़ानन्नासूकन्नास में यतीम मस्किन बेवा गरीब मोहताज खवातन बच्चियाँ इन सब के हकूक़ को अदा करने का है अल्लाह ताली से दुआ है कि अल्लाह ताली हमें और आपको इन सब बातों में जो नसीहतें हमें की गई हैं उस पर अमल करने की तोफ़ी अतः फ़रमाए और ईमान और हकूक़ जो भी हैं इन सबों को सही समझ कर सही तरीक़े से हमें उस पर अमल करने की तोफ़ी अतः फ़रमाए आमीन واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين